आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं महात्मा गांधी सेतु का। यहां से चलेंगे पटना गायघाट तक और आपको दिखाएंगे कि महात्मा गांधी सेतु का क्या अपडेट है। जिस रास्ते पर भी हम चल रहे हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल मैं पहली बार कर रहा हूं अपडेट देने के लिए। ये जब आप हाजीपुर में आते हैं तो ये रास्ता है। इन सीढ़ियों की मदद से लोग नीचे उतरते हैं। महात्मा गांधी जब आप हाजीपुर में आते हैं, गायघाट की तरफ आते हैं, तब इन सीढ़ियों की मदद से लोग नीचे उतरते हैं। और यहीं पर इसका जो निर्माण चल रहा है, हालांकि इन्होंने करकट से घेर रखा है जो काम चल रहा है, लेकिन हम इसके गैप में से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं जो ये लास्ट पियर है, पाया है, उसका निर्माण चल रहा है। पियर कैप बन चुका है और कई काम चल रहे हैं। सामने आपको पाया नंबर एक दिख रहा है जो पीला वाला क्रेन है उसके बाद, और जो सुपरस्ट्रक्चर जो वेस्टर्न फ्लैंक पे चढ़ा हुआ है वो आपको दिख रहा है। सामने सुपरस्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं गया है पूर्वी फ्लैंक पे, वो भी आपको दिख रहा है पाया नंबर एक के बाद पाया नंबर दो पे। और ये जो नए पाये का निर्माण हो रहा है वो भी आपको दिख रहा है इस वीडियो में। महात्मा गांधी सेतु के एक फ्लैंक पे तो ट्रैफिक का आना जाना है जो वेस्टर्न फ्लैंक है, और जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसका काम चल रहा है। पियर कैप निर्माण का काम और भी जो इनका काम होता है वो चल रहा है, ये देख सकते हैं। हमेशा हम उस तरफ से अपडेट देते थे, लेकिन आज पहली बार इस तरफ आए हैं। और इस तरफ से जो लुक आता है बहुत सुंदर लुक आ रहा है, ये देख सकते हैं। पाया नंबर एक जो इसका है वो पियर कैप बन गया है, और दोनों पाया, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पाया, जो पाया नंबर एक वेस्टर्न फ्लैंक का है और जो ईस्टर्न फ्लैंक का है, दोनों पाया को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं पाया नंबर एक, और चलेंगे पाया नंबर दो और तीन। तो दिख रहा है कि इसका सुपरस्ट्रक्चर नहीं तोड़ा गया है। चार का पियर कैप बन गया है, पांच दिख नहीं रहा है, वो भी चल के नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं कि पांच की क्या स्थिति है। सामने पाया नंबर तीन और उस तरफ का पाया नंबर दो के सुपरस्ट्रक्चर को तोड़ना बाकी है, नज़दीक से भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरफ पाया नंबर चार और पाँच का पियर कैप बन गया है। छः नंबर जिसके पियर कैप को तोड़ना बाकी है, देख सकते हैं। इस तरफ भी सात नंबर के सुपरस्ट्रक्चर को तोड़ना बाकी है, आठ का भी वही हाल है। चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि आगे की क्या स्थिति। ये पाया नंबर 21 है सामने, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेस यहाँ पे लगा रहे हैं जो सुपरस्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। ये पाया नंबर 20 के उधर पाया नंबर 7 तक सुपरस्ट्रक्चर नहीं तोड़ा गया है, वही हाल इस तरफ भी है। पाया नंबर 20 से 25 तक सुपरस्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा गया है। अनुमान सही था, पाया नंबर 25 है, इसके सुपरस्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा गया है। 26, 27 से लेकर के उस तरफ के सुपरस्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है। पियर कैप को तोड़ना बाकी है, कुछ का पियर कैप का निर्माण चल रहा है। और 25 से लेकर के पाया नंबर 7 तक है पियर जो सुपरस्ट्रक्चर है वो नहीं तोड़ा गया है। कुछ कुछ जगह पे पैदल चलने वाला तोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तो अभी वो पैदल चलने वाला भी एज इट इज है। तो ये देख सकते हैं, और उधर 2 और 3, 7 से लेकर 25 तक सुपरस्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा गया है। अब आगे चलते हैं। 27 के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है, वो मैंने बता ही दिया है, 27 और 26। और इस तरफ पाया नंबर 28 के पियर कैप का निर्माण चल रहा है। ये पाया नंबर 28 सेंटरिंग किया जा रहा है इसका, और पियर कैप पे बन चुका है या बनाने की तैयारी चल रही है। 29 का पियर कैप तोड़ा जा रहा है,
आगे चलते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाया नंबर 28 से चल करके हम आ गए हैं पाया नंबर 33 पे, जिसके सुपर स्ट्रक्चर को तो तोड़ा गया है और पियर कैप को भी तोड़ दिया गया है। बाकी जो इनका बेस फाउंडेशन वर्क है चल रहा है। और आपको बता दें कि इन्होंने जो ट्रस इरेक्शन किया है ये 32 और 33 के बीच में भी ये बेस तैयार कर चुके हैं, और इस तरफ 33 और 34 के बीच में बेस तैयार कर चुके हैं। इस तरह से पाया नंबर 38 से लेकर के पाया नंबर 32 के बीच में चार पाए पे ये लोग ट्रस को इरेक्ट कर चुके हैं। हम उस तरफ चलते हैं और उस तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। देख सकते हैं कि कितना जो गाद है ये भरा हुआ है, और यहाँ से हम चलने की कोशिश करेंगे। पूरा पैर धंस जा रहा है, दलदल है, देखते हैं। ये दलदल है यहाँ पे, इधर जाना ठीक नहीं रहेगा, इधर चलते हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इनका रखा हुआ है सब। ये सब भी बहुत दूर दूर से आ रहा है, आकर के यहाँ पे रखा जा रहा है। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं चार पाए पे ट्रस इरेक्शन का काम इनका हो चुका है। ये हम दिखा रहे हैं, ये पाए नंबर 1 है, 38 से लेकर के इनका टारगेट है। ये काम इतना फास्ट कर रहे हैं ना कि बस ये देख सकते हैं कि उधर तीन पाए पे ट्रस को रख दिया गया है और इधर एक पाए पे रख दिया गया है। तो काम तेज़ी से चल रहा है, और 3 महीने में जितना काम इन लोगों ने कर दिया है वो अपने आप में अजूबा है, रिकॉर्ड है, होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम, देख सकते हैं नट बोल्ट लगाया जा रहा है। काफ़ी ऊपर चढ़ाने के पहले काफ़ी ये होता है। देख सकते हैं पाया नंबर 37 के पियर कैप का निर्माण आधा हो चुका है और सरिया वगैरह बांधा जा रहा है। उस तरह भी पियर कैप का निर्माण जो है 38 का भी आधा हो चुका है, और जो ट्रस है वो 38 से लेकर के 35 के बीच में लग चुका है। यानी कि चार पाए पे ट्रस जो है ये बेस तैयार के ट्रस को रख दिया गया है ऊपर में, और पियर कैप का निर्माण चल रहा है। ये देख सकते हैं 36 नंबर पर भी निर्माण चल रहा है। पाया नंबर 39 सामने है, ये देख सकते हैं कि आज हम पहली बार पाया नंबर 40 के पास मोटरसाइकिल लेकर के आए। कल्पना से परे लगता है, क्योंकि अब जो यहाँ से अगर देखा जाए तो माँ गंगा मात्र 5 पाए के बीच है, पटना और हाजीपुर के बीच में मात्र 45 से लेकर के 40 के बीच में है। इसके सुपर स्ट्रक्चर को कट किया जा रहा है पानी से, डायमंड कटिंग से कट किया जा रहा है उसको, और यहाँ पे बार्ज भी लगा हुआ है उसे उतारने के लिए। उस तरफ आप देख सकते हैं कि पाया नंबर 39 के पास बोट जा रहा है, बोट से जा रहा है सुपर स्ट्रक्चर, उधर पानी से जा रहा है। ये सामने पीपा पुल है, और ये देख सकते हैं पीपा पुल भी बहुत आगे तक है। ये पाया नंबर 27 तक चला था, पीपा पुल लगा था पिछले बार। 41 का आधा पियर कैप काट दिया गया है और 43 पे काम चल रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको गंगापथ का भी पाया दिख रहा होगा, जो राजा घाट है वहाँ पे गंगा पथ, सामने राजा घाट दिख रहा है और गंगा पथ का पाया भी आपको दिख रहा होगा। इन नदी देख सकते हैं। गाय घाट आ गए हैं, यहाँ पर गांधी सेतु के पाइलिंग का काम चल रहा है। वो सामने जो आप पाया देख रहे हैं उसी तरह का पाया का निर्माण यहाँ पर होगा। ये देख सकते हैं कि सामने रीग मशीन है और जेसीबी है, जिसकी मदद से ये सब काम चल रहा है। यहाँ पे भी शुरू हो गया है, 45 और 46 के बीच में ट्रस को ऊपर रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं पाइलिंग के लिए छड़ यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो देख सकते हैं उस तरह पाइलिंग चल रहा है, और इस तरफ पाया नंबर 46 के पियर कैप का निर्माण चल रहा है। तो यही तस्वीर है पुराने वाले गांधी सेतु की। ये देख सकते हैं कि सामने पाया नंबर 46 और 45 के बीच में ट्रस रखने का काम चल रहा है, जो हम ऊपर से दिखा रहे हैं। तो यही अपडेट है महात्मा गांधी सेतु का, काम चल रहा है और अपने स्पीड से चल रहा है।
हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आपको पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट साथ, तो इनसे का पावन नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।